भारत में जातिगत सर्वे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, उनको उसका अधिकार नहीं मिले, इस तरह का प्रचार और प्रसार किया गया। बिहार सरकार ने वहाँ से 142 छात्रों को लाने का काम किया। ये राजनीति और राजनीति करने का अभी समय नहीं है। मणिपुर में कैसे शांति व्यवस्था बहाल हो, इसके लिए सबको सजग सोच और सजग सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जातीय जनगणना पे हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था और इसकी जो सुनवाई है वो 3 जुलाई को होने वाली थी। उसको लेकर महागठबंधन सरकार ने एक बार फिर से कोर्ट में अपील की थी और जो सुनवाई है उसका डेट पहले करवाने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और जो सुनवाई है वो 3 जुलाई को ही रहेगा। इस बात को लेकर हमने RJD प्रवक्ता एजाज अहमद से बात किया तो एजाज अहमद का कहना है कि कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य है और जो केंद्र सरकार है या फिर जो और भी पार्टियां हैं बिहार में, हमने सबसे बातचीत करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे बात किया था, उसके बाद इस याचिका जातीय जनगणना के लिए हमने सरकार से बात की थी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे एजाज अहमद, पहले वो आप सुनिए। सर, एक में UPA 2 की सरकार में माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा और अन्य नेताओं के जो सहमति के आधार पर ये फैसला लिया गया था कि भारत में जातिगत सर्वे किया जाए और वो सर्वे का रिपोर्ट 2012 में आ भी चुका था, लेकिन इसी बीच में केंद्र की सरकार जो यूपीए 2 की सरकार थी उसके चुनाव में परास्त होने के कारण भारत सरकार जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में सामने आई उसने डेटा को उपलब्ध नहीं कराया और डेटा करप्ट होने की बात की, जबकि भारत सरकार और भारत के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं इस मामले को विलोपित करने के लिए और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, उनको उसका अधिकार नहीं मिले, इसके लिए इस तरह का प्रचार और प्रसार किया गया। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कहीं ना कहीं समाज के उपेक्षित पिछड़ा वंचित वर्ग के प्रति क्या है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मणिपुर हिंसा के बाद 142 छात्र छात्राएं वापस बिहार लौटे हैं। देखिए, बिहार सरकार अपने खर्च पर स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से सभी छात्रों को वापस लाने के लिए प्रक्रिया शुरू किया है और आज बिहार सरकार ने वहाँ से 142 छात्रों को लाने का काम किया, यह स्वागत जो कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सार्थक पहल करते हुए स्पष्ट रूप से पूरे देश को संदेश दिया है कि जो स्थिति और परिस्थिति आज मणिपुर में बनी हुई है उस स्थिति और परिस्थिति से सबको मिल करके लड़ना होगा और सबको मिल करके कहीं ना कहीं समन्वय बना करके वहाँ पर जो स्थिति है उसको ठीक करने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी। राजनीति और राजनीति करने का अभी समय नहीं है। मणिपुर में कैसे शांति व्यवस्था बहाल हो, इसके लिए सबको सजग सोच और सजग सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। नीतीश कुमार आज उड़ीसा गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार में सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके देश स्तर पर संदेश दिया है कि अगर विपक्षी दलों की एका हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, और उसी संकल्पों को देश ने भी सुना है और देश ने भी स्वीकार किया, और उसी संकल्प को लेकर के पूरे देश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षी दलों की एका के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि देश स्तर पर जो बिहार ने परिवर्तन का संकेत दिया है उसको स्वीकारता मिले। तो आपने साफ तौर पर सुना कि एजाज अहमद का कहना है कि कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा इस पर बयानबाजी हम नहीं कर सकते। उन्होंने मणिपुर से जो छात्र छात्राएं लौटे हैं जो उन पर भी उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल थी, एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से हम लोगों ने वहाँ के छात्र छात्राओं से बुलाया है। उन्होंने यह भी बताया कि 142 छात्र वहाँ से लौटे हैं जिसमें से 22 छात्र जो है वो झारखंड के हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह सरकार का फैसला है जो कि बहुत ही बेहतर है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।